Hey guys, welcome back to my channel Aesthetic Fashion. मैं हूँ शैलजा. कैसे आप? Hope you all guys are doing well. तो guys, आपको तो पता है अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है. रक्षाबंधन चला गया, उसके बाद गणपति फेस्टिवल, दशहरा, दिवाली. ओके, जैसे हम लोग हर फेस्टिवल के लिए खुद को सजाते हैं, सजते हैं खुद, वैसे भी तो हमें घर को भी तो सजाना होता है. ओके, तो अभी गणपति फेस्टिवल नज़दीक ही है, तो उसके लिए तो हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी रहती है. ओके, गणपति फेस्टिवल में तो होम डेकोरेटिव मटेरियल लगते हैं, और गणपति डेकोरेशन के लिए तो हमें क्या क्या नहीं लगता. ओके, तो ये सारा जो हाउल है आज का, ये सारे प्रोडक्ट मैंने मोस्टली फ्लिपकार्ट से परचेज किए हैं. ओके, दिस इज़ द ह्यूज हाउल अबाउट गणपति फेस्टिवल डेकोरेशन एंड होम डेकोरेटिव मटेरियल. ओके, तो इसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज किए जो कि अभी के गणपति फेस्टिवल के लिए आपको यूजफुल है. होम डेकोरेशन के लिए, गणपति में तो हमें डेकोरेशन बहुत सारा करना रहता है. कितना सारा कर्टन चाहिए, तोरण चाहिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स चाहिए, बहुत सारी बातें लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है. ओके, तो गाइज वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, तो सब प्रोडक्ट का डिटेलिंग सब कुछ मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगी. तो इसलिए आपको ये जो वीडियो बिना स्किप किए देखना है, ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला आने वाले फेस्टिवल के लिए. ओके, गणपति फेस्टिवल तो है ही है, उसके बाद तो दशहरा रहता है, देन दिवाली में तो हमें घर को बहुत सजावट करनी पड़ती है. ओके, बहुत सारा सजावट होता है, बहुत सारी बातें लगती हैं. दिवाली में भी लाइट्स लगते हैं, लैंटर्न्स लगते हैं, लैम्प्स लगते हैं, फ्लावर्स, बहुत सारी बातें आपको तो पता है. ओके, तो चलिए गाइज, अभी ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले लूँगी, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने. तो ये जो हॉल है, इसमें आप देखोगे गणपति फेस्टिवल के लिए जो यूज़फुल मटेरियल्स है वो मैंने परचेज किया है. देन होम डेकोरेटिव मटेरियल, उसमें से मैंने कुछ मटेरियल पहले लिए हुए भी ऐड किए जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे. ओके, तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डोर तोरण मैंने परचेज किया है. ये आप दिवाली में यूज़ कर सकते हो, दशहरे में यूज़ कर सकते हो, अगर रेगुलर भी अगर आपने ये तोरण डोर में हैंग करके रखा देन ऑल्सो ओके. बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा सा ऐसा ये डोर तोरण है, ये मैंने खास अभी गणपति फेस्टिवल के लिए परचेज किया है. लुक एट दिस ब्यूटीफुल तोरण, मुझे बहुत ही पसंद आया है. बहुत सारी चीज़ें मैंने परचेज किए, बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज किए, इसलिए मुझे सब प्रोडक्ट के प्राइस याद नहीं है, और एक बात ब्रांड भी याद नहीं है. अभी तो मैं हमेशा तो इतनी सारी बातें परचेज नहीं करती हूँ, आई मीन होम डेकोरेटिव वगैरह, हाउल वीडियो वगैरह होता है, ड्रेसेस वगैरह हम लोग हमेशा लेते, तो इसलिए ब्रांड वगैरह मतलब परफेक्ट सब बाय आउट हो गया है. ओके, तो इसका ब्रांड वगैरह मुझे अभी याद नहीं, और अभी मैं मोबाइल चेक करके अगर वीडियो बनाती बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा. ओके, तो प्रोडक्ट का सब कुछ जो डिटेलिंग है हर प्रोडक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सब कुछ प्राइस, ब्रांड, टैग्स, जो भी है सब कुछ. ओके, विल गेट इन दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन. ओके, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बनी रहेगा और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा वीडियो होने के बाद. ओके, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डोर तोरण, यहाँ पे पर्ल्स है और सारे गोल्ड कलर के स्टोन्स है. ये थोड़ा सा हेवी है बट ये एकदम ब्यूटीफुल लगता है, आप ये दिवाली में यूज़ कर सकते हो, दशहरा में यूज़ कर सकते हो, और अभी गणपति फेस्टिवल में तो यूजफुल है, डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप गणपति का आइडल स्टेचू स्थापन करने वाले हो वहाँ पे भी ये ऊपर आप ऐसे लगा सकते हो. ये बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा आपको गणपति फेस्टिवल के लिए. कितना क्यूट है ये देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पूरा गोल्ड कलर का है, बीच बीच में पर्ल से बड़े बड़े वाइट और डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट शेप वाले ये मोती है, आप देख सकते हो. ये जो है लूज स्टाइल का है, ये फ्लावर स्टाइल का है, ये भी फ्लावर स्टाइल का है, इस तरीके का ये डोर तोरण आ जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है. देन नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, दिस इज ऑल्सो डोर तोरण आप बोल सकते हो, या वॉल हैंगिंग एज अ डोर के साइड में जो हैंग करते हैं. ओके, जो हम लोग तोरण लगाते हैं उसके बाद दो हम लोग गार्लैंड हैंग करते हैं, उस टाइप की ये डोर हैंगिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है देखिए ये. ओके, मारी गोल्ड फ्लावर्स, वाइट एंड द वाइट फ्लावर्स है, इसमें रेड विल फ्लावर्स है, येल्लो फ्लावर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे दो तोरण मैंने ले लिए हैं जो हम लोग साइड में लगा सकते हैं डोर के. और अभी गणपति डेकोरेशन के लिए भी ये यूज़फुल है, जहाँ पे गणपति का स्टेचू आइडल आप लोग स्थापन करने वाले हैं वहाँ पे साइड पे ये दोनों साइड पे ऐसे हैंग कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है. ये ऐसे दो तोरण मैंने ले लिया है. ओके, सी कितने ब्यूटीफुल है, ये काफ़ी लॉन्ग है, इसका जो लेंथ है, लेंथ तो मुझे अभी याद नहीं, बट यू कैन
फाइंड इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है और यहाँ पे टसल से इतने बढ़िया। इसका जो प्राइस है मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी, प्राइस अभी याद नहीं, जैसे मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें मैंने परचेज की है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, हाई क्वालिटी के, मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, एकदम हाई क्वालिटी के फ्लावर्स हैं इसमें। ओके, ये आप घर पे कभी भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, दशहरा, दिवाली, गणपति फेस्टिवल, ओके, या दूसरी कोई पूजा हो घर पे, कुछ भी हो आप ये होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, या ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, ग्रामोफोन। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया है, मुझे ये बहुत ही कम प्राइस में मिला है, आई थिंक 200 या 250 में, उस प्राइस में ये मुझे इतना अच्छा लगा, एकदम वर्थ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और क्यूट साइज, साइज भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मुझे लगा कि प्राइस इतना कम है तो छोटा होगा, बट ये साइज़ परफेक्ट है, ये आप लिविंग रूम में रख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम ट्रेडिशनल लाइक एंशियंट। ओके, क्यूट सा ये ग्रामोफोन है। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो थोड़ा मैं फास्ट ले रही हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत प्रोडक्ट है। ओके, ये है फ्लावर वास। अब क्या बोलते हो, फ्लावर वास या फ्लावर वेस? ओके, कोई वेस बोलता है, कोई वास बोलता है, डजेंट मैटर। ओके, दिस इज द फ्लावर वास फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ये मैंने परचेस किया 299 रुपीज में, मेटल का है, काफ़ी स्ट्रांग है, एकदम क्यूट है, लुक इसका देखो पूरा, मतलब मीनाकारी वर्क रहता है ना, उस टाइप का ये वर्क है, ट्रेडिशनल सा। ये आप लिविंग रूम में रख सकते हो, बेडरूम में रख सकते हो, या डाइनिंग टेबल पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इसी फ्लावर के साथ मैं इसको डाइनिंग टेबल पे ही यूज़ करती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मटेरियल इसका मेटल है, मेटल में आयरन मटेरियल है, कॉफी ब्राउन और रेड कलर एंड द गोल्ड कलर का इसमें पूरा पेंटिंग किया हुआ है। ओके, आप देख सकते हो कितना क्यूट है ये, एकदम काफ़ी स्ट्रांग है, एज पर द प्राइस ये वर्थ लगा मुझे। ओके, और ये जो फ्लावर्स है ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया है, दिस इज या ब्रांड वगैरह अभी याद नहीं, और ये फ्लावर मैंने बहुत पहले परचेज किया था, एकदम फाइन एंड हाई क्वालिटी के, सुपर क्वालिटी के, काफ़ी बार मैंने इसको वॉश किया है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, लिंक को विजिट करके आप चेक कर सकते हो। इसमें येलो कलर के भी फ्लावर थे, वो भी मैंने परचेज किया, पीछे रखा है मैंने, वो भी दिखाऊंगी। ओके, ये मैंने परचेज किया है खाली 225 रुपीज में, दो आते हैं ऐसे। ओके, दो आ जाएंगे। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज या सेम फ्लावर्स है, ये भी मैंने 225 को परचेज किया है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फ्लिपकार्ट, ये पिंक कलर के खाली 225 रुपीज़ में, ये मुझे वर्थ लगी, क्योंकि स्ट्रीट पे भी मैंने बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स देखे थे, बट उनकी और इनकी क्वालिटी जो है ना, जमीन आसमान का फर्क है, मैंने देखा था। ये भी मैंने 225 रुपीज़ में परचेज किया, बट दीज आर द वर्थ। ओके, क्योंकि ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं और काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के, वॉशेबल है, कभी भी आप कैसे भी वॉश कर सकते हो, वार्म वाटर या ठंडे पानी में भी, खाली डिटर्जेंट पाउडर डाल के सोक करके रखा तो भी इसको कुछ नहीं हो जाएगा, हाई क्वालिटी के फ्लावर्स है ये। ओके, ये भी मैंने 225 में परचेज किया है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। देन या ये मुझे ना इस हॉल में सबसे प्यारा लगा, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड, अभी ब्रांड मुझे याद नहीं, मैंने इसका जो रील है वो इंस्टा पे भी डाला है मैंने, आप प्लीज़ चेक कर लेना, नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये मैंने दोनों पैर में लिया था। ओके, ये पूरा सेट ऐसे लिया मैंने, बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइज, हाईली रिकमेंड करती हूँ, इतना प्यारा है ना इसका ब्रांड, सॉरी गाइज मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगी। ओके, तो इस ब्रांड के वहाँ पे इतने सारे फ्लावर वास थे, बहुत थे वहाँ पे, अलग अलग शेप के, अलग अलग पैटर्न के, और इनकी जो क्वालिटी है ना टू गुड है, ये मुझे मिले हैं, इनका प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा था। ओके, ये मंत्रा पे मिलेंगे आपको, फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, अमेजोन पे भी मिलेंगे, मैंने आई थिंक 1300 आगे कुछ तो पे करके लिया है, वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगी, जब भी सेल हो तभी आप ये परचेज कर लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल है, हाईली रिकमेंड करती हूँ। ओके, मेटल का है, नॉट ब्रॉन्ज और ब्रास के, नॉर्मल आयरन के होंगे ये, बट इसका जो फिनिशिंग है, जो गोल्ड पॉलिश किया है, वो बहुत ही बढ़िया है, कोई भी देख के बोलेगा नहीं कि ये आयरन का है, ये कॉपर या ब्रॉन्ज का ही लगता है। सी कितना बढ़िया इसका फिनिशिंग है, और इसका जो गोल्डन पॉलिश है ना, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, और नीचे देखो यहाँ पे, हाँ या यहाँ पे उनका ब्रांड है, बेहोमा ऐसा कुछ तो ब्रांड है, बेहोमा होम एंड लिविंग। ओके,
ये आप बेडरूम में यूज़ कर सकते हो, लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, एकदम आपके बेडरूम को इतना बढ़िया लुक आएगा ना, बहुत ही। कितने सारे तो वीडियो मैंने ये पीछे लगा के ही शूट किया है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसमें कौन से भी फ्लावर सूट कर जाएंगे, रोज़, लीली, कौन से भी आपके पास जो भी फ्लावर्स अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हो। अभी गणपति डेकोरेशन में भी आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में मैंने जैसे बोला कि दो थे, सी दिस इज टू, ऐसे बहुत सारे अलग अलग शेप के, और थ्री का सेट है, सिंगल भी मिल जाएगा, डबल भी मिल जाएगा। ओके, बट मैंने डबल लेना चूज़ किया, मुझे लगा था कि साइज़ बहुत छोटा होगा, बट साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, एकदम बड़ा है, छोटा नहीं है एकदम। क्योंकि होता क्या है, जो कॉपर के रहते हैं, हाई क्वालिटी के, जो ज़्यादा महंगे रहते हैं, उनका साइज़ वहाँ पे इमेज में थोड़ा अलग लगता है, मेजरमेंट दिया हुआ रहता है, देन ऑल्सो इमेज में बड़ा लगता है, जब हम लोग प्रोडक्ट लाते हैं तो इतना दिखता है। बट इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, जैसा मैंने पाया था वेबसाइट पे सेम आई गॉट इट। ओके, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज। ओके, ये फ्लावर्स भी इसके साथ सूट कर रहे हैं, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। ओके, दीज आर द सनफ्लावर, छोटे सनफ्लावर से ये ओनली 200 रुपीज़ में। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लीव्स वगैरह ये प्लास्टिक के, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। ओके, कितने बार भी इसको वॉश करो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं ये इसी के साथ ऐसे रख देती हूँ, कितना प्यारा लगता है आप देखिए, हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं ये प्रोडक्ट। इसके साथ में ये मैंने लिविंग रूम में रखने के लिए ले लिया है मैंने, ये जो शोकेस में हम लोग रखते हैं जहाँ पे ग्लास वगैरह है। ब्यूटीफुल, ऐसा ये नहीं मिला था, ये मेरे पास घर पे था, इसमें गणपति आइडल था, वो निकाला मैंने, वो मैंने पूजा घर में रख दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये छोटा सा ऐसा व्हीकल है। ओके, कॉपर का ये मुझे मिला है 200 या 250 रुपीज़ में, फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया मैंने, ऐसे ही घर पे रखने के लिए ले लिया मैंने शो के लिए, बहुत ही प्यारा लगता है। ओके, देन डेकोरेटिव मैंने बोला था, या ये तो आपको सब जगह पे मिल जाएगा, दिया वाला थाली। ओके, ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैंने यहाँ पे लगा के रखा था, वो निकाल देती हूँ। ये मैंने बहुत पहले लिया, अभी नहीं लिया, बट इसके यन नंबर्स ऑफ वैरायटी आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, एज पर द साइज और क्वालिटी उनका प्राइस है। ये मैंने लगता है मुझे महंगा मिला, ये 350 रुपीज़ में ले लिया, बट आप अगर ये परचेज करना चाहते हो इस टाइप के, ओके, तो आप ये मीशो पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे वराइटीज़ है। ओके, ये मैंने मीशो से ही परचेस किया, 300 या 350 में परचेस किया था। इसमें बहुत सारे साइजेस भी अवेलेबल है, छोटा, बड़ा, पैटर्न, इतने सारे डिजाइन और वैरायटी है ना, पूछो मत। ओके, ये मैंने पहले लिया था, इसका कलर चला जाता है। ओके, सी यहाँ पे मैंने पानी डाल के फ्लावर्स डाले थे, आर्टिफिशियल फ्लावर, डेकोरेटिव फ्लावर बाउल। ओके, दिस इज द डेकोरेटिव फ्लावर बाउल, बहुत सारे वराइटीज़ है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगी आपको, बट मीशो पे सर्च करना, वहाँ पे बहुत सारे वराइटीज़ है और प्राइस भी उनका वहाँ पे कम है। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेकोरेटिव प्रोडक्ट, दिस इज फॉर गणपति, ये भी मैंने गणपति के लिए लिया है। ये है तोरण। ओके, वो गार्लैंड था जो, मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर का, वो लिया था मैंने, और ये जो तोरण है मैंने गणपति डेकोरेशन के लिए लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बढ़िया है। इसके एन नंबर्स ऑफ वैरायटी आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल तोरण, ये मुझे आई थिंक मिला है 100 रुपीज़ को वन, या इसका कॉस्ट ही ज़्यादा है क्योंकि इसका काम भी बहुत है, इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है। लेंथ जो कुछ भी है, आपको इसके लिंक को अगर आप विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा, और स्क्रीन के ऊपर भी मैं दे दूँगी। ये मैंने 6 पीस लिया है, इसे कितना प्यारा है, बेल वाले हैंगिंग लटकन बोल सकते हो आप, या तोरण। यहाँ पे गोल्डन कलर के पॉल्स है और ये बेल है, एंड दिस इज़ अ टसल, सिल्क दोरी का टसल है। ऐसे मैंने 6 ले लिए हैं, ये गणपति डेकोरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है, और आप दिवाली में भी डेकोरेशन कर सकते हो, दशहरा में भी घर पे डेकोरेशन अगर आपको करना है तो भी यूज़ कर सकते हो आप, अगर घर पे कुछ पूजा वगैरह, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस। कितना बढ़िया लगता है ये मुझे बहुत ही पसंद आया। जैसे आप लोग गणपति फेस्टिवल के लिए कर्टन यूज़ करते हो, तो कर्टन के ऊपर ये हैंग करोगे तो बाकी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी इसका प्राइस मैंने बोला 100 रुपीज़ को वन लिया, 6 लिए मैंने, तो 600 इसको पे किया है। अभी इसके बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। दिस इज़ अ हाई क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल पर्ल गार्लैंड। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज अगेन ये है लाइक अ कर्टन। ओके, डेकोरेटिव कर्टन आप बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो आई ब्रॉट इट फॉर गणपति फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल के लिए मैंने खास ये हाउल बनाया है।
इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। ये सिल्क थ्रेड है और उसके अंदर जो शाइनिंग वाला थ्रेड है, या मुझे लगा टिकली होगा बट थ्रेड है ये वाला कर्टन आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, डोर पे भी यूज़ कर सकते हो, या गणपति आइड और जहाँ पे भी आप स्टैचू स्थापना कर रहे हो स्टैचू की, आप वहाँ पे भी ये आप पीछे लगा सकते हो डेकोरेटिव कर्टन बोल के। ये इसको मैंने, मतलब इसका प्राइस बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में मैंने ले लिया इसको, आई थिंक 160 कुछ तो है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, गोल्डन, सिल्वर ब्लू, पिंक, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बट मैंने थोड़ा ये ऑरेंज शेड में ले लिया। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट चीज अगेन, या ये मैंने गणपति के लिए आर्टिफिशियल गार्लैंड लिए, ब्यूटीफुल ऐसे गार्लैंड है ये देखिए, अभी तो गणपति में यूजफुल होने वाला है काफ़ी। और ये मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिला, आई थिंक 100 या 120 रुपीज़ में मिला होगा, या 160, प्राइस जो भी है मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगी। वन मोर गार्लैंड आई हैव टेकन, ये वाला, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल गार्लैंड है, ये भी गणपति के लिए लिया है मैंने। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट चीज, क्या लिया है मैंने, कितना सारा लिया है ना खुद को याद नहीं। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, या नेक्स्ट चीज मैंने गणपति के लिए क्या लिया है, ब्यूटीफुल मुकुट भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, मुकुट की तरह कैप ही हो, डेकोरेटिव कैप है गणपति के लिए, सेम कितना ब्यूटीफुल है ये। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, बट ये होता कैसे है कि पता नहीं हम लोग गणपति का कौन से टाइप का स्टेचू लेने वाले हैं, उसके हिसाब से ऑलरेडी मुकुट तो रहता ही है स्टेचू पे, बट जस्ट ऊपर आपको ये रखना है, बहुत ही क्यूट लगता है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, या ये मैंने आसन ले लिया है दो, पूजा के लिए गणपति में यूजफुल हो जाएंगे, या कभी भी आपके घर में कोई भी पूजा है या कुछ गेस्ट आने वाले कुछ फंक्शन के लिए, तभी भी आप ये आसन बोल के यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने पे किया आई थिंक 175 समथिंग 70 या कुछ, ऐसे पैर में ही ले लिया, दो ले लिया मैंने। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, हाई क्वालिटी के पूरा वेलवेट का है। बैक साइड पर इस टाइप का आ जाएगा और दो साइड पे ये टसल्स में जाएंगे सिल्क तोरी के, और ये पूरा वेलवेट का है। और भी बहुत कुछ लिया है जो मतलब डेकोरेटिव मटेरियल, जैसे सोफा कवर है, कुशन कवर से बेडशीट्स एंड बेड कवर, उसका मैं सेपरेटली अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ, इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सब मिक्स हो जाएगा। देन या ये मैंने लिविंग रूम के लिए लिया है, एक्चुअली इसको स्टडी रूम में रखना है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा ग्लोब। आपको लगा होगा ये ब्लैक कैसे ले लिया, बट मुझे बहुत पसंद आया, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब सिल्वर एंड द ब्लैक, बहुत ही क्यूट लगता है और साइज भी इसका काफ़ी बड़ा है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है, इसको मैंने पे किया 1000, मुझे कॉस्टली लगा, बट बाहर कहीं पे मैंने इस टाइप का ग्लोब नहीं देखा था, नॉर्मली मतलब लाइक ब्लू एंड ग्रीन देखा था। ये परचेस करने के बाद मैंने अलग एक मरून टाइप का देखा, वो भी इतना ब्यूटीफुल लगता है ना ग्लोब पूछो मत, ये बहुत ही प्यारा सा ग्लोब है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। ये लिविंग रूम में भी रख सकते हैं आप और स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं, अच्छा लगेगा बच्चों को और स्टडी के लिए भी अच्छा। इसका मैंने पूरा कुछ चेक नहीं किया बट मुझे क्यूट लगा इसलिए मैंने परचेज किया। दिस इज़ अ ग्लोब फ्रॉम फ्लिपकार्ट, कलर मुझे हटके चाहिए था। आई नो ग्लोब मोस्टली मतलब ग्रीन एंड द सी ग्रीन कलर और ब्लू होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट लगता है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल फ्लावर्स। ये रोज फ्लावर्स लिए मैंने, मिनी रोजेस, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया, बीच बीच पे आपको येलो दिखाई दिया होगा बट येलो मैंने पुराने मेरे घर पे थे वो मैंने एड ऑन कर दिए। ये भी मैंने 225 रुपीज़ में ले लिया और ये भी दो, 225 में दो आ जाएंगे, कौन से भी फ्लावर वास के साथ ये मैच करते हैं अच्छी तरह से, इसलिए ये मैंने परचेज किया। देन नेक्स्ट है, या दिस इज, ये मैंने निकालूंगी ऐसे ही दिखाती हूँ आपको, या ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये मैंने पहले लिए थे, बहुत पहले लिए थे, काफ़ी बार इनको वॉश किया। ये जो फ्लावर्स है आपको, ये कौन से तो ब्रांड के हैं, ब्रांड अभी याद नहीं आ रहा मुझे, वाला अभी याद नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूंगी, स्क्रीन के ऊपर भी ब्रांड दे दूंगी आपको। ये आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट, मंत्रा एंड अमेजोन पे भी, प्राइस आप चेक कर लेना। जहाँ पे कम है वहाँ पे आप परचेस कर सकते हो, और ये मैंने परचेस किया था 500 रुपीज़ में, बट मुझे 500 रुपीज़ में वर्थ लगा। इसमें है
6 फ्लावर्स थे, दो मिल जाएंगे। और ये ऐसे ही ग्लास का मग था मेरे पास घर पे, जग हम लोग बोलते हैं इसको, तो उसमें रख दिया मैंने, फ्लावर वैस की ज़रूरत नहीं। ओके, तो इसके साथ ही काफ़ी सूट करता है, इसमें वाइट कलर भी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट, मंत्रा, अमेजोन तीनों जगह पे मिल जाएगा। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है, काफ़ी एकदम हाई क्वालिटी का है, कितने बार भी वॉश करो इसको कुछ नहीं होता है। ओके, मैंने काफ़ी बार इसको वॉश किया है, अभी वॉश करना है, इसलिए मैं आपको मतलब नज़दीक से नहीं दिखा रही हूँ, काफ़ी गंदा हो गया है, इसको वॉश करना है। जस्ट आपको डिटर्जेंट डाल के बकेट में सोक करके रखना है, दैट्स इट, हो जाएगा, हल्का सा रब करना है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है यार ये आपको ऐसे बर्ड्स भी मिल जाएंगे। ओके, बट बर्ड्स जो है ये थर्माकोल के है शायद, सी इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, लिंक को विजिट करके आप चेकआउट कर लेना। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्लांट फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ओके, इसको भी मैंने ज़्यादा पे किया है, आई थिंक 400 या 500 पे किया है, प्राइस मुझे ज़्यादा लगा। ओके, दीज आर द येलो फ्लावर्स और इसके अंदर बर्ड के जैसा भी है और ये रबर के। ओके, बट इसको मैंने 500 या 400 पे किया है, अभी याद नहीं, बट वर्थ है, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है ना, कोई भी नहीं बोलेगा आपको कि ये नकली है। आप इसको जो हमारी मतलब प्लांट वाली पॉट रहती है ऑर्डिनरी मड की, प्लास्टिक की या सीमेंट की, उसमें ये आप लगा के रखना खाली, कोई भी नहीं बोलेगा आपको कि ये डुप्लीकेट है। कितने भी बार वॉश करो इसको कुछ नहीं हो जाएगा, ब्यूटीफुल ऐसा ये आर्टिफिशियल प्लांट है, हाई क्वालिटी का प्लास्टिक। ओके, आर्टिफिशियल प्लांट, बहुत ही बढ़िया ये, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज अगेन आर्टिफिशियल फ्लावर। ओके, ये काफ़ी है, सी रोज फ्लावर्स, अभी जो मैंने पिंक कलर के फ्लावर आपको दिखाए थे उसी ब्रांड का ये भी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है और इसको मैंने पे किया है 1000 मुझे ज़्यादा लगा था, बट मैंने लोकल मार्केट में देखा उससे भी ज़्यादा प्राइस था। और इसका जो लेंथ है काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे फ्लावर्स है इसमें, आप देख सकते हो। ओके, और ये भी अच्छे क्वालिटी का है, इसको कितना भी वॉश करो कुछ नहीं हो जाएगा, सी कितना बढ़िया ये, बहुत सारे फ्लावर्स है, बर्ड्स है, लीव्स है इसमें। इसको मैंने सिरेमिक के पॉट में रखा है, ये जो पॉट है इसके साथ नहीं मिला, खाली ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स प्लांट मिला मुझे। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ये राइस लाइट लिए थे मैंने फ्लिपकार्ट से। ओके, ये अभी गणपति फेस्टिवल के लिए लिया है, और भी कुछ मंगवाया बट अभी तक उसका कुरियर नहीं आया है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, मैंने काफ़ी वीडियो में भी ये यूज़ किया है, इस टाइप के राइस लाइट्स, कलर कलर के लाइट्स है ये, लाइक रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। ओके, यहाँ पे स्विच नहीं है, स्विच बोर्ड नहीं है, यहाँ पे सॉकेट्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऑन करके दिखाती बट दूसरे वीडियो में दिखा दूंगी आपको। ओके, इसको मैंने पे किया आई थिंक 200 या 250 रुपीज़ में। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे, डेकोरेटिव लाइट्स देखोगे, इतने सारे वराइटीज़ हैं ना, पूछो मत। आजकल तो बहुत सारा कुछ नया नया आया है, जैसे स्ट्रिप मिलेगा, LED स्ट्रिप मिलेगा, लाइक ओनली जो टेप रहता है हमारा सेलो टेप वैसे चिपकाना है, उसमें भी लाइट्स आते हैं, बहुत सारे वराइटीज़ हैं। बट मुझे ये राइस लाइट बहुत ही अच्छे लगे, ऑन करने के बाद ऐसे फ्लावर जैसे दिखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाता है, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, अलग अलग, बहुत ही बढ़िया लगता है। प्राइस के हिसाब से तो वर्थ है, काफ़ी लॉन्ग इसका लेंथ है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, आई होप मैंने सब कुछ आपको दिखाया होगा, कुछ रह तो नहीं गया, वो चेक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट ले लिया था, इट्स ओके। ओके, तो अगर कुछ रह भी गया तो नेक्स्ट हाउल में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, तो ये जो सारे प्रोडक्ट है ये सारे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किए हैं, कुछ कुछ आई थिंक एक आध दूसरा प्रोडक्ट मीशो से लिया होगा। ओके, जैसे जहाँ जहाँ से भी मैंने लिया है वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, लिंक को विजिट करके आप चेकआउट कर लेना, उस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। और अभी तो गणपति फेस्टिवल मतलब बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो बहुत सारे ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाले हैं आपको, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। आपको कुछ पसंद आता है तो विश लिस्ट में डाल के रख लेना, और जैसे भी प्राइस जैसे प्राइस कम हो जाती है आप फटाक से ग्रैब कर सकते हो। इस हाउल में मुझे सबसे पसंद आया हुआ ये, हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइस, ये अमेजोन, मंत्रा और फ्लिपकार्ट सब जगह पे मिल जाएगा, इसमें यन नंबर्स ऑफ वैरायटी है।
ओके, शेप अलग है, स्टाइल अलग है, लेंथ इसका अलग होगा, अलग अलग पैटर्न के मिल जाएंगे, एकदम हाई क्वालिटी का है, देखने के बाद ही पता चलता है क्वालिटी का। ये था मेरा फेस्टिवल डेकोरेशन आइटम का हाउल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, इतना सा भी अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, आपको कुछ आइडिया मिला है इस हाउल से। तो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन और एक लाइक तो जरूर देना। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।